दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगा मंथन। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य में राज्यों की भूमिका को बताया अहम। वहीं ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाते हुए बैठक छोड़ी। सूत्रों के मुताबिक ममता के आरोप गलत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़, कमकारी इलाके में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर, एक जवान शहीद। अग्निपथ पर पीएम नरेंद्र मोदी का आलोचना करने वाले को बड़ा जवाब, कहा अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना और औसत उम्र को ग्लोबल स्तर का रखना। करगिल विजय में भी कम उम्र के योद्धाओं ने दिलाई थी कामयाबी। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निवीरों को तोहफों की झड़ी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा के बाद असम ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण का किया ऐलान। पुलिस और दूसरे सशस्त्र बलों में मिलेगी प्राथमिकता। यूपी बीजेपी में खींचतान की खबरों के बीच दिल्ली में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम नीति आयोग की बैठक में हुए शामिल। बीजेपी के बड़े नेताओं से भी हो सकती है मुलाकात। अगस्त में यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की के न्योते पर अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं पीएम मोदी। पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ रंगारंग शुभारंभ। भारत के 117 खिलाड़ियों समेत 206 देशों के लगभग 10,500 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। भारी बारिश और बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में जिंदगी पर असर। गुजरात में हालात खराब। गंगोत्री में भागीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरने से हादसे में 2 की मौत। पुरानी इमारत होने की वजह से कल ही वहां रह रहे 26 परिवारों को निकाला गया था। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। नए कोच गौतम गंभीर और T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में पहला इम्तिहान।